सलवात बाबा से बुलंद कुछ ज़्यादा नहीं कहना, बस एक दो गुजारिशात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको बताया है कि कई सालों से अय्याम सैयदा के हवाले से हमसे मजालिस का सिलसिला शुरू है और ता ज़हूर इमाम ज़माना तक जारी रहेगा। मैं हया के मातम की पूरी तंजीम की तरफ से और हम सारे बानियान की तरफ से आप सब के शुक्रगुजार हैं कि जो इस मौसम की परवाह किए बगैर हाजिर हुए हैं और हमें खिदमत का मौका दिया है आपने। और इन अयाम में किसी भी शख्स की, किसी भी अफराद की कोई दिल आजारी हो तो हम आपसे माजरत हुआ है, और किसी किस्म की कोई कभी पेशी रह गई हो तो नज़र अल्लाह नियाज़े हुसैन हमें माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले साल इनसे भी बेहतरीन उलमा इकराम मुज़ाकरीन हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, और अगले साल हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। बिला ताहीर आज की नशिस्त के हर्फ़ आहर की हैसियत से मैं दावत हिताब देता हूँ इलामा अली नासर अल हुसैनी आफ तल्हाड़ा कि वो अपने महसूस अंदाज में ज़िक्र सैयदा बयान करें और हवातीन में तबूते सैयदा बरामद होगा, और इनके फौरन बाद जवार कुर्बान है दर्जाफरी नोहा पेश करेंगे और आप सब भरपूर पुरसे में शिरकत करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। आलिह तय्यबीन अत्तहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुबहानहु तआला फ़ी कलामिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यमताबू वजाहदु बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावात पर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद। दुआ है अल्लाह बादा उला शरीक ज़िक्र खैर दे सदके नाल साडे गुनाह माफ़ फरमाए और जनाब सैयदा दे सदके नाल तमाम खवातीन हज़रात दियाँ दिली दुआवां कबूल और मंजूर फरमाए। सैयद महमूदुल हसन शाह साहब और उनके तमाम अहबाब नुखाल के कायनात इस सारी कावश और मेहनत का अजर अज़ीम अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत वास्ते दरूद एक मरतबा सारे हज़रात पढ़े। बाह मेरे मोहतरम सामीन, कल तक की गुफ्तगू जनाब के ज़हन च मौजूद होगी और आयत मजीदा का तर्जमा भी जनाब के अज़हान च मौजूद होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। अल्लाह के नज़दीक कामिल मोमिन वो है जो अल्लाह और रसूल पे ईमान लाता है और फिर उसमें शक नहीं करता। कल तक दी गुफ्तगू, कल मैं अर्ज़ की थी कि एक किताब सारी ला रहे इतने शक इस वास्ते नहीं कि जिस जुबान चो निकली है वह जुबान बेऐब है। इन पैगंबर की सदाकत ते सारा दीन मबनी है। पैगंबर आखे अल्लाह एक है तो बस वो एक है, पैगंबर आखे वो नज़र नहीं आता तो वेखन का इरादा भी नहीं करना चाहिए। पैगंबर क़यामत आखन तो ठीक है, यानी पैगंबर की जबान की सदाकत इहदे उत्ते सारा दीन इस महवर ते गर्दश कर। कल तक की गुफ्तगू मेरे मोहतरम सामीन जेडे मौजूद सन उन्होंने पता होगा कि मैं कुरान हकीम चों एक सिद्दीक पढ़िया और एक सिद्दीका पढ़ी। सिद्दीक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं खालिक ने करार दिता सूरह मुबारक नाल मरियम च, और अल माईदा च हज़रत मरियम नूं सिद्दीका करार दिता।
मैं हमेशा जो दो तीन मजलसा पढ़ा या आशरा पढ़ा एक दो लफ्ज पिछली मजलस के दौराना ताकि मेरी जी गुफ्तगू है वह नाल मिल जाए। कल इस नतीजे से असं पहुंचे सा कुरान हकीम चो कि जिन्हों अल्लाह कुरान च सिद्दीक आखे उदा कोई करीब तो करीबी तो करीबी रिश्तेदार भी उदी मुखालफत करे तो जहन्नम तो नहीं बच सकता। और कुरान जिस बीबी ने सिद्दीका आख्या उन्होंने आवाम के सामने भेजा ऐसी हालत उसकी गोद च बच्चा सी ते फिर वो बीबी जी पूरी जिंदगी अल्लाह के घर च गुजारी है आवाम के सामने भेजा। कल मैं अर्ज की कुरान विचों के आवाम ने बड़ी बुरिया गल्लां तो अल्लाह ने दसिया कि जिहड़ा मैं सिद्दीक बनाया जिहड़ा उहदे मुकाबले ते आवे उहदा भी ध्यान रखा जी ते जिहड़ी मैं सिद्दीका करार दिया जिहड़ा उहदे मुकाबले ते आवे उहदा भी ध्यान रखा जी। इन्हां लोगों की इताअत दा ना दीन है इन्हां दी मुखालफत दा ना दीन है। मेरे मोहतरम साहब कल मैं एक गल की सी मैं कहूं याद कराया जी लेकिन मैं आप याद आ गया। मैं अर्ज की सी कि बशर कोई मिट्टी नाल बनया कोई पानी नाल बनया और कोई याद करना चाहिए थानू नूर नाल बनया और जरा मैं आखिर तक पढ़िया सिद्दीका का सिद्दीक बेटा वो बहुत शुक्रिया लो जी हूँ मैंने सली अलहमदुल्ला बशिकला मेहरबानी यानी अमर नाम कमाल ये भी कि जरा अमर नाल बनया ना अमर नाल मैं कल अर्ज की सी मादी दे पिछे होगा अगे नहीं होगा। असी जिहड़े आम लोग हाँ जी असी जिस शहर नाल बने हाँ शुक्रिया वह खालिक कायनात ने फरमाया हल अता अलर इंसान ही नहरे लम यकुन शैयम मस्कूरा सूरा मुबारक दहरे अल्लाह फरमाता इन्ना खलक नाल इंसान आ मिन नुतफतिन अमशाज खालिक फरमाता हमने पानी के एक गंदे मैले कुचैले कतरे से इंसान को पैदा कर दिया। मेरे मोहतरम सामने का मैं एक अर्ज की सी कि मैं कुरान चो कोशिश करांगा वह मैं आयतां तलाश कर ली खालिक कायनात ने यह कुरान है साड़ी हकीकत बयान करने वास्ते साड़ी हकीकत दसन वास्ते सानू दस्या कि तुहानू मैं कादे नाल खलक कीता तुहाडा असल असल की है तुहाडा एक पानी का गंदा कतरा। हुण आयत मजीदा सूरह मुबारक अल मारिज दी पढ़न लगा और फिर मैं सदाकत तक आ जाऊँगा इंशाला तो शाह जी ने हुक्म किया वह भी मैं पूरा कर फरमाते ने अल्लाह पाक इरशाद फरमा सूरह मुबारक अल मारिज अल्लाह फरमाता है अयतमउ कुल्लु अमरियन मिनहुम अय युदखला जन्नतन नईमन ए मेरे हबीब जरा इन बंदों से पूछ ये लालच करते हैं ये लालच करते हैं ये लालच करते हैं अयतमउ कुल्लु अमरियन मिनहुम इनमें से बंदे लालच करते हैं कि युदखला जन्नतन नईमन कि हम उस जन्नत नईम में दाखिल हो जाएंगे ये बंदे लालच करते हैं कि हम उस नेमतों वाली जन्नत में दाखिल हो जाएंगे ये बंदे जिन्होंने ये मुंह पढ़े लिखे बंदे बैठे हो ये मुंह और मसूर की दाल ये पुराना मुहावरा है उर्दू का मुंह तो मसूर की दाल पता नहीं ये मुंह तो बर्फी क्यों नहीं आखी ए मुंह तो छोटा गोश्त क्यों नहीं आख्या किसे बनाया ये मुंह और मसूर की दाल मुहावरा ये मैं बदल नहीं सकता अल्लाह फरमा रहा ये मुंह और जन्नत परेशान नहीं होना मैं कह रहा सी ये मुंह अल्लाह फरमाता है अयतमउ कुल्लु अमरियन मिनहुम ए सूरह मुबारक जनाब अल मआरिज अगर तस्दीक करनी हो ते आराम न बह के सूरह अल मआरिज दी 36 नंबर आयत पढ़ना अल्लाह फरमाता है अयुद खला जन्नत नईमन ये जन्नत नईम नेमतों वाली जन्नत में जाने का ये लालच कर रहे हैं ये जेड़े वेले किबला अल्लाह ने गल कर लिए अगे एक लफ्ज आ रहा कल्ला काफ नाम ला उत्ते शब्द नाल कल्ला एक कल्ला एदा मन आएगा ना परेशान नहीं होना अगे गल पूरी हो लैन देना क्योंकि गल परेशानी वाली है। अल्लाह फरमाता है ए बंदे लालच पे करते हैं कि असी जन्नत च दाखिल हो जाएगा कल्ला कदी भी ना मैं कहूं परेशान नहीं होना अल्लाह फरमाया कल्ला एदा तर्जमा कोई बंदा कर ले यही निकलना है पंजाबी का कदी भी ना उर्दू कर लेने हरगिज हरगिज नहीं कदी भी नहीं अल्लाह फरमाता ये मुंह और जन्नत मैं कह अल्लाह सानू की नमाज पढ़ने रोजा रखने हज करने तेरी इताअत की कोशिश करने चलो शैतान के वसवसों तो कभी बच जाने कभी काबू भी आ जाने काबू आ जाइए तो माफी मांग लेने अल्लाह जरा ऐब दस है उस ऐब तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा खालिक कायनात ने फरमाया
ये बंदे चाहते हैं कि हम नेमतों वाली जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, हरगिज हरगिज नहीं। क्यों? इन्ना खलक ना हो मिम्मा या नमून, ये जानते नहीं कि पैदा किस शहर से किए गए। बहुत शुक्रिया कबला, ये जानते नहीं है कि इनकी पैदाइश किस शहर से हुई है। अपनी पैदाइश देखो तो जन्नत नाइम देखो, और पाकां की जगह तुम कितने जन्नत जा चुके कर दे। किबला मैं सोचना कि अगर अल्लाह आंदा और बेनमाजी हो तुम जन्नत जाना चाहते हो तो असं नमाज होर ज्यादती कर लेंगे, ज्यादा पढ़ने लग पेंदे। अल्लाह फरमाता वो रोजा भी नहीं रखते तो फिर जन्नत जाना चाहते हो, तो फिर असं डरते रोजे शुरू कर देंगे, जी कमी है वह भी पूरी कर लेंगे। भाई कमी पूरी हो सकती है बेनमाज नमाज पढ़े, बेरोजा रोजा रखे। कमी पूरी हो सकती है अगर पैसे रख के हज ना करे तो कमी पूरी होगी, जाके हज कर रहे। आ जड़ी कमी अल्लाह पे दसदा है ये साढ़े पास भी नहीं। बहुत शुक्रिया जो पहुंच गए, बहुत बहुत मेहरबानी। भाई किबला अगर कोई अमाल की कमी हो असी उन्हें तो पूरा करिए, तो अल्लाह जी कमी पे दसद वो साढ़े पास की नहीं। अल्लाह फरमाता इन्ना खलक ना हो मिम्मा या नमो, ये जानते नहीं है कि किस शह से पैदा किए गए हैं। हूँ असं शह बदल सकते हैं? चलो पैदा अल्लाह तू किया, पहला तू सानू गंदे कतरे नाल पैदा किया, देखो पैदा कर गए पहला रोवो पैदा हो जन्नत। खुदा की कसम मैंने बड़ी परेशानी होगी पढ़ के, खालका असी अपने बस च तो नहीं ना जी, तू सानू पैदा किया, जिदे नाल पैदा किया असी पैदा हो गए। अगो तू जन्नत नूं एडा पाक बनाया, जिदी पलीती नाल तू सानू पैदा किया जन्नत नूं उहदे मुकाबले उदा ही पाक बना छड़िया, पैदा भी तू किया तो सानू प्यार ना बड़े कहदे नालों। कोई नमाज की कमी दसो, रोजे की कमी दसो, कोई नेकिया की कमी दसो तो असी मस्कीन कोशिश करिए। हुण वो जिहड़ा काम है उन्हूं असी किवें बदलीए? उधर तो पैदा हो चुके हैं, हुण एडे एडे हो गए हैं। क्या बात है, एडे एडे हो गए हैं, हुण परफ्यूम ला के लगे फिरने हैं। असी तो गुरुसूज किया है तो अल्लाह पाक हुण असी ठीक ठाक हाँ। अल्लाह फरमा जिदे भी ठीक हो बने तो वो नाल ही हो। हुण ये किबला साढ़े पास की गल नहीं, जो सारे जहान नूं अल्लाह परेशान कर रहा ना उदो करीम एडा है। अगो फरमांदा फला उक्सिमु बिरब्बिल मशारिके वल मगारिब, मुझे मशारिक के रब की कसम, मुझे मगरबों के रब की कसम। मेरा खैर साह निकल लगा, फिक्र नहीं करनी, असा कतरा बदल नहीं सकता, बने असी उहदे नाल ते जन्नत च भी जाना चाहते हैं। वह बंदा कहना है जो जन्नत का तलबगार ना हो। अल्लाह फरमांदा ये लालच करते हैं जन्नत का, यह भी शक कोई नहीं लालच करने हैं। जिहड़ा बंदा समझता मैं जन्नत का लालच नहीं करता वह माफी मंगे अल्लाह को, सिर्फ कायनात ते एक गुजरे है जिस फरमाया मैं लालच में सजदे नहीं कर। अल्लाह मैं लालच में सजदे नहीं करता और जहन्नम के डर से भी इबादत नहीं करता। अली तो सिर्फ इसलिए झुकता है कि तू लायक है इबादत। वो तो गल ही हो रही, शुक्रिया कि मेरा वो गल हो रहा। असं तो सीधे सीधे जी जन्नत के लालच करने हैं, जाना नहीं चाहते हैं तो बने नहीं वो देना, वो साढ़े बस की गल नहीं, वो आप ही कर्म कर छड़िया। सू खालिक फरमाता फिक्र की लोड़ नहीं, मुझे मशरकों के रब की कसम, मुझे मगरबों के रब की कसम। खालिक फरमाते इन्ना लकादी रूना अला अन्न बद्दिल खैरन मिन हम, फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम कादर हैं परिदियों को पाकिजगी में बदल देते। अल्लाह इस बात पे कुदरत रखता है, अल्लाह इस बात पे कादर है कि जब चाहे अनुबद्दिल खैरन मिनहुम वमा हुम बिमस्बूकीन। अल्लाह फरमाता हम आजज नहीं है, हम पलीदी को पाकिजगी में बदल देने वाले हैं। इहदा मतलब है असीं भावे किड्डे गंदे कतरे नाल पैदा होवांगा होया कोई शक नहीं, लेकिन हसनैन की जागीर ते जाण तो पहले अल्लाह बदल के पास कर दे। आखिर यार बंदे नूं सोचना तो चाहिए, पैदा होना साड़ी पैदाइश की गल की, फिर आता मैं बदलन ते कुदरत रखना। आओ जी एक होर आयत पढ़िए, परेशान नहीं होना। सूरह मुबारक नजम दी 32 नंबर आयत है। इत्थे हुण खुल जाएगी गल ते करिए की असी हुण जिवें पैदा होए हाँ उवें ही होए हाँ, जन्नत ते जाना भी चाहते हैं। अल्लाह फरमांदा कोई फिक्र वाली गल ना करो, मैं तुहानूं पाक करके भेज दिया, पलीदी खत्म कर देंगा, पलीदी खत्म कर देंगा, पलीदी खत्म कर देंगा। इहदा मतलब तय हो गया कोई है सही विच रास दी गल, वह फिर बंदे कुरान चो लभणे पैणगे जिन्हां दा बरू चुम लईए तो पलीदियां निकल जांदे।
लोग जो है वो बचते तो है बड़े बड़े गुनाहों से, वल फवाहिशा और बड़ी बड़ी बेहयाइयों से बंदे बचते हैं, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं। इल्ल लामामा, लेकिन फिर भी कुछ गुनाह है जो बंदे कर बैठते हैं, बचते तो हैं लेकिन कर बैठते हैं। इन्ना रब्बका वासीउल मगफिरती, फिक्र की जरूरत नहीं, जो तुम्हारा रब है ना वो बड़ा बख्शने वाला है, वो मगफिरत करने वाला है, वो गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह फरमाता कोई नहीं। देखो कैसी गल खूबसूरत खालिक ने साडे मुतलक कीती है, मस्कीना दे। अल्लाह फरमाता बंदे बचते हैं बुराइयां तो, वड्डिया वड्डिया गुनाहों तो, निक्के मोटे फिर भी। मेरा ख्याल साढ़े को ही होंगे, तुहाडे को तो नहीं हो, निक्के मोटे बंदे को हो जाते हैं। इस सारी गल तो अल्लाह को पता जे। अल्लाह फरमाता बहुआ आलम बिकुम, अल्लाह तुम्हें खूब जानता है। जो कुंडी मारी होंगी जे ना, अल्लाह फरमाता उदो मैं अंदर ही हों, मैं तुहाडे जाहर तो वाकिफ हाँ, मैं तुहाडे बातन तो वाकिफ हाँ, तुहाडे माजी हाल ते मुस्तकबिल तो वाकिफ हाँ। तो खालिक फरमाता एक कम कर, जे छोटे मोटे गुनाह होंगे ना वो मैं बख्श देंगा। एहतियात एक गल की करनी, केड़ी? अल्लाह फरमाता है हुवा आलम बिकुम इन अंशाअकुम मिनल अर्ज़ी। ये बात ज़हन में रखना, मेरे सामने चलाकी करने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हें पुराना जानता हूं। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें, मैं कहना कितना को पुराना। अल्लाह फरमाता इज़ा अंशाअकुम मिनल अर्ज़ी, जब तुम जमीन पर उतरे थे ना, जब तुमने कदम रखा था ना जमीन पे, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं। एक गल छड़ के अल्लाह उदू भी पिछली की है, दुआ करो को पुराना वाकफ ना मिल जाए। पुरानिया कमजोरियां बंदे नहीं जे छड़ दे तो माफ भी नहीं जे कर दे। यकीन करो बंदे बड़े बड़े लैन लाड गुजरे ने, छोटे होंदे 12 साल की उम्र च किसी बंदे ने कम उम्री बचे किसी रेहड़ी तो माल्टा पूरा खसका के थले सुट के बरह जाके खा लिया हो, उस दौर के दोवे 12-14 साल के बच्चे हो और दोवे 80 साल के वडेरे हो जाए, उन्हें चो एक हज ते टुरे ना, दूजा आके आके बाबे नू अच्छा फिर भाइया मैं हज ते चला, वो आंदा टुर पे लोगों के चोरी मारते खाने वाले। वो बंदे ने की पे करना, बुजुर्ग बंदा है, वो आंदा मैं इनू पुराना जानना। इहदा मतलब है बंदे बंदे नू पुराना जानते हो तो ब्लैकमेल करते ने। बंदे यार बंदे नू पुराना जानते हो तो ब्लैकमेल करते ने। अल्लाह ओ करीम है जरा एडा सानू जानता फिर चुप्पे, एक दा ऐब दूसरे ते सार ही नहीं करता। खुदा दी कसम अल्लाह फरमांदा मैं तुहानू उदों दा जानना, कदों दा? जदों दे जमीन ते उतरे उदों पिछा टुर गया जी। अल्लाह बड़ा कम खराब है। अल्लाह फरमांदा वा इस अंतुम अजिन्नतुन फी बतूनी उम्महातिकुम, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब माओ के पेटों में हालत जनीन से गुजर रहे थे। दुनिया से आने की गल नहीं, जो मां के पेट च हालत जनीन है जी, एक गुजरता बंदा किमें बनता है, एक पानी के कतरे से अल्लाह हड्डिया चढ़ा दिंदा है, अल्लाह मास चढ़ा दिंदा है, उसदे च जान पैदा कर दिंदा है। अल्लाह फरमाता दुनिया की गल छड़, मैं तेनू उदों का जानना, कदों का? जदों का तू मां के पेट से। मैं क्या फिर? अल्लाह फरमाता फला तज़क्कू अनफुसकुम, हुण मैनू मुंह धो धो के ना दसी मैं बड़ा पाक। कमाल है, हुण गुसल कर कर मैनू ना बखाई, हुण क्रीमा ला के मैनू ना बखाई कि मैं बड़ा कमाल हूं। अल्लाह फरमाता फला तज़क्कू अनफुसकुम, मेरे सामने गुनाहों की माफी मांगना तज़किया नफ्स का दावा ना करो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया कितना। मेरे सामने छोटा मोटा गुनाह हो जाए तो माफी मांगना, लेकिन फला तज़क्कू अनफुसकुम कभी ना कहना कि तुम्हारे नफ्स पाक है, कभी ना कहना कि तुम्हारे नफ्स मैं बड़ा करीब हूं, मैं कभी मेरे सामने ना कहना, उठे जाके जो आखिर जी आखिर जी मेरे सामने ना कहना कि हमारे नफ्स पाक है। वह आलम बीमा नित्य का, वही जानता है कि तकी कौन है और फकी कौन है, वो जानता है कि साहिब तकवा कौन है और कौन बचा हुआ है। मेरे सामने अपने नफ्स की पाकीजगी का दावा ना करना, मेरे सामने अपने नफ्स की शुक्रिया पाकिजगी का दावा ही ना करना कि मेरा नफ्स पाक है।
इहदा मतलब है यह दुनियादार जितने ने सड़े मेरे असी तो उस जात दे सामने अपने नफ्स की तहारत का दावा भी नहीं कर सकता। ते ऐसे कुरान चो मैं पढ़ दिना एक जहरा दा बाबा है जिन्हों अल्लाह फरमा रहा वायु जक्की हिम तू तो आया ही नफ्सों को पाक करना। कमाल है, जो नफ्स पाक होने के काबिल है वो और है, जो नफ्सों को पाक करने आया है वो और। बड़ी जल्दी पहुंचेंगे असी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कि असी तो दे सामने अपने नफ्स की पाकिजगी का यार दावा भी नहीं कर सकते। तो मेरा नबी नफ्स पाक होने वाला नहीं, युज़की है वो नफ्सों को पाक करने आया। इहदा मतलब है मेरा मोहतरम मजमा बड़ी जल्दी इस चंद मिनटां च पहुंच गया कि कायनात के जिन्हें नफूस ने उहदे सामने दावा भी नहीं कर सकते कि साडे नफ्स पाक ने। तो मेरा पैगंबर पाक होने नहीं आया, वो पाक करना है, पाक करना आया। इहदा मतलब है पूरी दुनिया के भी नफूस इकट्ठे हो जाए, क्या वो नफ्से रसूल के बराबर आ जाए? थोड़े बंद नहीं आख, थोड़े बंद नहीं आख, नफ्स के लफ्ज से कभी तवज्जो करो ना। तो पहला जुमला कह रहा मैं आज दी मजलिस दा, इहदा मतलब पूरी कायनात के नफ्स पाक होने वाले हैं और पैगंबर उनके नफ्स पाक करने वाला है। इहदा मतलब जिथे नफ्से रसूल है उहदे बराबर कोई नफ्स आ सकता नहीं, नहीं, नहीं। फिर मुतात रहना उस बंदे की बराबरी का बंदा लभन की कोशिश ना करना जिन्हों मुहम्मद मबादे च खड़ गया के क्या बात है मानो तेनों दसा देवे सारी दुनिया के नफ्स पाक होने वाले ने मेरा नबी नफ्स पाक कर ला है और अली अलैहि सलाम नु मुबादे च खड़ के पैगंबर ने फरमाया अल्फुसना वालफुसकुम रसूल बन के। मेरा ख्याल है कि हूं मेरा ख्याल समझ लेना चाहिए है कि कैसे लोग ने जिन्हां दी इतात इस पुलीद बड़े नु पाक कर देवे। इहदा मतलब है कोई ऐसे होने चाहिए जिनके नफूस कल भी अतहर थे आज भी अतहर है। नहीं तो मैं आयत पढ़ दियो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज़्ज़ा अहलल बैती वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने चादर थले इकट्ठे करके दसिया ये है जिनकी तहारत का हमने जिम्मा लिया है और पलीद कतरे से बनने वालों इनकी बराबरी की कोशिश न कर। ये है युता ही रकुम शुक्रिया के बना युता ही रकुम तत्हीरा। ये वो है जो रिज्स से दूर है। हूँ फिर कुरान की आयत पढ़नी पड़े रिज्स किन आंदे वो मैं लभ नहीं। सूरह मुबारक हज खान के कायनात ने कम से कम दो चीज़ा रिज्स जिक्र कीतियां ने। इन सुनो तो बिल्कुल मैं करीब आ गया हूँ। कौन ने, कौन ने जिन्हें लोगों की वजह तो इस पलीद ने पाक होना है? ए कुरान है अल्लाह फरमाता है फज तनी बो रिज्सा लोगो रिज्स से बचो, बच सकते हो तो बचो, बचो रिज्स से बचो। दो शावा रिज्स अल्लाह ने इस कुरान दी आयत दसियां ने। पहली फरमाया फज तनी बो रिज्सा मिनल औसानी, एक तो लोगो बुत पूजने की पलीदी से बचो वो रिज्स है। इस वेले पंद्रह भी बंदे ने जेड़े इतों मेरे नाल ने ते जिन्हें पता है प्यागो मैं की आखन लगा। यह बड़ा स्वाद होंगे पता हो प्यागो की आखन। यह कुछ बंदे बैठ बच्चों मैं समझा रही ना। अल्लाह फरमाता फज तनी बुर रिज्सा सूरह मुबारक हज बचो लोगो रिज्स से मिनल औसानी, एक बुत की पुरस्तश करना बुतों को पूजना यह रिज्स है। वज तनी बू कौ नल सूरी और दूसरा झूठ से बचो कि वो रिज्स है, रिज्स है। चलो इतने ही मुकलो दुआ ते बुत पूजना रिज्स है बोलो तो झूठ बोलना रिज्स है।
अल्लाह फरमाता है अहले बैत वो हैं जो अनको मोर रिजसा, जब पहुंचोगे नहीं होगे तो उधर तोड़ा जाए। अल्लाह फरमाता है कि अनको मोर रिजसा अहले बैत वो हैं जो वह शुक्रिया के बला रिजस से दूर हैं। और दो चीजें रिजस हैं, एक बुत परस्ती रिजस है, दूसरा झूठ बोलना रिजस है। अहले बैत जितने यार पाले जो पालो सानू केड़े कपड़े बना के देने पैने ने, पर एक मेहरबानी करी अहले बैत तहारत छोड़ना नु पाई जिन्हें जिंदगी च बदला हो गया। शुक्रिया मेहरबानी पा लो जिन्हें पाने जे पा लो। अहले बैत तो वो है जो रिच से दूर है और बहुत परस्ती रिच है। इसका मतलब है जिस बंदे जिंदगी च एक बारी भी किसी बुत एक बारी किसी बुत आंच कर लिया ना और रिश्तेदार हो सकता है अहले बैत। दूसरा अल्लाह फरमांदा है झूठ से बचो कि झूठ रिजस है। और आ जड़े बंदे असी बैठे हैं मस्के असी आखिए भी असा तो कदी नहीं जो बोलिया तो एवं आसा ही निकल जाने ना। सारा दिन अल्लाह माफी दे बगैर वजह तो भी बोली आने असी बगैर फायदे तो भी बोली आने एवं आदत हो। ये झूठ तो बचे कौन है, झूठ तो बचे कौन है जिन्हें अल्लाह फरमाया ने झूठ तो भी अनकुम रिजसा ने उन्हीं को सादिकीन कहते। सुभान अल्लाह, उन्हीं को सादिकीन कहते। तो मैं क्या अल्लाह ये बनेगा साथ नरकी असी सादिकीन तो है नहीं तो कासबीन सानू पसंद नहीं, सादिकीन असी है नहीं तो सारा दिन ने लानत अल्लाह है अदल कासबीन झूठे तो असी लानत करने तो सचे असी है नहीं। मैं पहना बाबा जी सच्ची गल करनी चाहिए, झूठ असी कभी नहीं आख्या सा झूठ बोलिया, लोगों ने झूठ निकल गया यानी वो ही निकल गया। जिमीदार वाली गल ना करो, जिन्हें जिमीदार मैंने मिले न कचहरी उन्होंने मुंडे ने कोई कतल किया है, उन्हें कभी नहीं आख्या मुंडे कतल किया, किधर आए सो आ मुंडे को कतल हो गया, कतल ही आके हो गया मुंडा साडा ठीक। मेरे अजीज वो सके ना मरना है झूठ बोलने एवं झूठ निकल जाता निकल जाता निकल भी गया हो ना तो अन घुमो रिजसा नहीं। क्या बात है ना निकलिया हो यह मतलब असी जो बंद है ना जी मस्कीन माफ करना सादिकीन असी है नहीं तो काज़बीन असी बनना नहीं चाहते। मैं ख्याल ये कि बनया साढ़े ना अल्लाह फरमाया कर लेने तुहाडा भी कुछ कर लेने सादिक सदके जावा फजल सादिकीन ने नूरी कासबीन ने नारी यानी नूरी मखलूक सादिकीन है जेडे नारी जहनमी मखलूक है वह कासबीन है। बिस्मिल बिस्मिल्ला जनाब मोहतरम कुरबान जाफरी साहब तशरीफ फरमाओ गए नवा खान मौला कायनात जबान और कलम च तासीरा था जजाक आओ जनाब तशरीफ रखो इजाजत थोड़ी जी तकमील कर लीए कुछ हुक्म है एक वो भी पूरा करना है सल्लल्लाहु मुहम्मद जी मेहरबानी तशरीफ फरमा हो गया तुम तसली हो गई तो मैं आज कोशिश करना कि घंटे के अंदर अंदर मुका दिया 24-25 मिनट में पढ़ गया तो कोशिश करना वो मैंने जरा बाबे का हुक्म किया ना जी कि इसमें ग्रामी है कुलेवाल वाले बाबा जी उन्हें एक हुक्म किया वह भी मैं पूरा करना है वो मैं हमने कर देना जरा मैं इतने नेड़े आ गया मैं करीब हाँ असी सादिकीन तो है नहीं ना थोड़े ही बोल रहे हो मैं क्या सी सादिकीन ना काज़बीन नहीं तो असी की सुभान अल्लाह हूँ देख लो तुहाडे सामने कुरबान साहब मैं क्या सी सादिकीन ना सारे मजमे आख्या नहीं काज़बीन तो सारे टका के आख्या नहीं असी की वो मैं ना बड़ा सोचा भी असी की हाँ काज़बीन जेड़े ना झूठे वो ने नारी ते जहन्नमी नारी जेड़े सादिकीन ने वो ने नूरी वो अलामा इकबाल सारा ना कढ़ांदा मैनू समझ आ वो फरमाते ने अमल से जिंदगी बनती है
ਐ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐ ਵੇਖੋ ਐ ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੰਜ ਆ ਨੇ ਸਾਦਕੇ ਆ ਨੇ ਕਾਜ਼ਬੀ ਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ ਐ ਲਤੀਫ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਐ ਨੇ ਸਾਦਕੀ ਐ ਨੇ ਕਾਜ਼ਬੀ ਤੇ ਆਵਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਖ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਟਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਆਂਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਛੱਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦੱਸ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਲਵਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਦਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ਬੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸਾਦਕੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਝੂਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਇਹ ਖਾਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਮੇ ਨਾ ਨੂਰੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਇਹ ਖਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਮੇ ਨਾ ਨੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਕੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਚ ਰਹਿਣ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਦਕੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਤਕੁਲਾਹ ਵਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾਦਕੀਨ ਸਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਦਕੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਬਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਸੱਯਦ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲ ਮੌਲੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਓ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹ ਨਾ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਆਖੇਗਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਖੇਗਾ ਕੋਈ ਮਾਤਮੀ ਆਖੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਗਿੰਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾ ਤੂੰ 14 ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਸ਼ਰ ਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਬਾਕਰ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾ ਸਾਦਕ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾ ਕਾਜ਼ਮ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਤਲਕ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਦਕੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਕੀਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਦਕ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਸਦੀਕਾ ਤੇ ਸਾਦਕਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਦਕ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅੰਜ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਆਓ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫਮਨ ਹਾਜ ਕਫੀ ਹੀ ਮਿੰਬਾ ਦੀ ਮਾ ਜਾਤ ਮਿਨ ਇਲਮੀ ਫਕੁਲ ਤਾਨੋ ਨਾ ਦੋ ਬਨਾ ਨਾ ਵਾ ਬਨਾ ਕੁਮ ਵਾ ਨਿਸਾ ਨਾ ਵਾ ਨਿਸਾ ਕੁਮ ਵਾ ਅਨਫੁਸਕ ਨਾ ਵਾ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਸੁਮਾ ਸੁਮਾ
तुहां तो कभी मेरा ख्याल सुमा सुनया ही नहीं। सवेरे बंदा उठा हो तो पता लगता है चौधरी सनाउल्ला मसीते 200 रुपया दे गया आमीन सुमा ओ सुमा सारे सुने आजा भी सुमा सुन। अल्लाह फरमाता है हमने कहा तुम अपनों को ले आओ हम अपनों को ले आते हैं। मेरे हबीब इनसे कहते सुमा फिर ना टाक होगी ना मुजाकरात होंगे ना मुबाहसा होगा ना गलबात होगी ना कोई कन्वर्सेशन होगी। तुसी उधर खड़ो जाओ असि इधर खड़ो जाने गल में अल्लाह के मुतालिक कि उसका बेटा कोई है कि नहीं तुसी भी उसके नाल गल करो असि भी उसके नाल गल करो क्या बात है नब तहिल फना जल लानत अल्लाह है अलल। एक बार सारे बोलो जी लानत अल्लाह है अलल। आज झूठों पे लानत अल्लाह भेजेगा। मैं पूरी दुनिया के कुरान रख के नया मगना वो जब काज़बीन पे लानत आनी थी तो मोहम्मद सादगी ले गया और तो की ख्याल है यार नबी सच्चे लेके गए कुरान चो सच्चे लभ गए जिमें उन्हें लिखे उमें नपण लगा तो शिया गुस्सा ना करे क्योंकि शिया जज्बाती कौम है बड़ी इन्हों को आ जाइए तो आंदे अलामा साहब आ गए लेट हो जी इन्हों तलैड़ा कितने जे जज्बाती नहीं होना आराम गल सुन लें। यह फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मुबाहला तय हो गया तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को लेकर गए जिमें लिखे हैं मैं पढ़ देता तो सवेरे किसी ने कुरान खोल के आखना सी हाथ च मौलवी थे कुरान से मैं एक मरीज पढ़द्या पढ़द्या पानी पीता खब्बे हाथ ना फड़ के मैं बाहर के मुल्क फोन आया हो सके गल्लां तो बड़िया करना दीन दसदा फिरना पानी सजे हाथ च फड़ के पी दे जिन्हां बंदियां दा इन्ना साढ़े ते ध्यान है भाई कुताही हो गई ना निशानदेही भी होई ना। कल तुहानू किसे आखना भी आओ कुरान लियाओ उत्ते सारे रज़ी अल्लाह लिखे ने ते मौलवी हाथ च ला के अलैह सलाम पढ़िया यह जिमें तहरीर से उन्हें क्यों नहीं पढ़ी कुरान हाथ से मैं भी मोहतात हाँ तो तुम्हें मैं बचा लिया अली अलैह सलाम भी रज़ी अल्लाह लिखा ने ज़हरा भी रज़ी अल्लाह लिखा ने हसन अलैह सलाम भी रज़ी अल्लाह लिखा ने हुसैन अलैह सलाम उन्हें रज़ी अल्लाह लिखा है तो जिन्हों के रंग उड्डे नशिया के कि रज़ी अल्लाह लिख छड़िया ने तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देना यह रज़ी अल्लाह भी ना ला छड़ना तो गए ही फिर रज़ी अल्लाह की कड़ी कर रहे सिंगल अली लिख दें सिंगल फातिमा लिख दें ना हजरत लिखन ना रज़ी अल्लाह लिखन यही गए ने यही गए ने अलैह सलाम ने ता भी यही गए ने रज़ी अल्लाह ने ता भी यही गए ने रहमतुल्लाह अलैह ने ता भी यही गए ने पांच ही गए ने नबी नूं इत्थे रखा तो एक नबी की बेटी गई एक दमाद गया दोनों आसे गए अली ने सलाम इत्थे रखा एक बीवी गई एक सहुरा गया दो बेटे गए हसन इतने रखा एक कसम का नाना गया एक बाबा गया एक मां गई एक भरा गया हुसैन इतने रखा एक हुसैन का सक्का वड्डा भरा गया एक नाना गया एक बाबा गया एक वालदा मोहतरम गई जो पांच कट्ठे पढ़ो तो एक अबू तालिब का भतीजा सी दूजा अबू तालिब का बेटा सी तीजी अबू तालिब की नूह सी दो अबू तालिब के पोतरे सन लो जी जाफरी साहब है ना जी कुरबान जाफरी साहब वालों इनाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आप इनाम याफ्ता शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद मौला दे मंजूर नजर ने तो खुद इनाम याफ्ता ने ए मेरे वास्ते इनाम है मौला इन्हें जजा देवे जबान करम तसीर अता फरमाए ते अल्लाह सब नूं तौफीक दे मैं दुआ तो करनी चाहिए अगो जो अल्लाह नूं मंजूर है कि मेरा दुआ दुआ तो साडा हक है की हो गया यार। अच्छा जी इहदा मतलब है कि मैं कुरान ते हाथ रख के गल करन लगा वैसे कुरान चुकन लगे ना बंदा ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद नहीं ना जी ये कुरान ते हाथ रख कुरान बंदा फड़न लगे ना फड़न लगे ते थाने वाली मसीत भी होवे भावें थाने तो पता है मसीत जिहड़ी हुंदी है नमाज पढ़े ना पढ़े सोवा चुकन वास्ते ते ओही हुंदी वड़ मसीते तो कई सवेरे सवेरे काटन का सूट पाकर टुर गया होंगे तरो मेरे सिर पर
धरो मेरे सिर ते। बंदा मसीह तक जान लगे तो बंदे आते ना यार छड़ो अखीर वेखनी जे वो जो चोरी पे है मस्जिद ते छड़ो पर वो टोरी पे है छड़ो पर बंदे टुरन ना मसीह तक कुरान वाल ते बंदे आते मन गया यार छड़ो मैं चुक क्यों फिर आ कुरान के थले भी आते उत्ते भी आते इतने मोतबर बैठे ने और पाको पकीजा जगह ते मैं खड़ा कुरान प्या दस दई अबू तालिब दा भतीजा भी ओडा ही सच्चा है पुत्र भी ओडा ही सच्चा हाय हाय हद मुक गई है ओदी नूह भी ओडी सच्ची है ओदे पोतरे भी ओडा ही सच्चे ये सारे सच्चे ने इन्हां दी सच्चाई तो साबित हो ही गई है अग्निकांड ने वे तुहाडे डीसी बंदा मेरा ख्याल है तुहाडे डीसी साहब गुजरात बंदे गुजरात बंदे लाले मूसे वो बहत्तर सीटी बस कर दे आखिर चौधरी में बह के सारे आ जाओ इतने मैं गल करनी बहत्तर सीटी बस च पांच छह जाते हो तो बाकी सारिया सीटा खाली हो साबित होंगे यही सन क्या बात है भाई तो यही सन सारी सीटा जो खाली पी जा तो पांच बच्चे बह के जाते हो तो बंदे हिसाब लगता यार बस उन्हें कली सी पहली गल तो जो इन ही सन तो उस बस क्यों कली तो जो उस बस कली है तो सारे बह जाते डीसी साहब ने पूछने वाली गल भी तुम बस क्यों कर ली उन्हें क्या है ही सन वह बस मैं तां कर ली है कई आखना सी चौधरी तो मैं भी ऐसा बच्चे थां कोई नहीं मैं जो कार कर सकता कार तो पांच बंदे तो आ ही जाते हैं एक चला लो एक नाल बह जा त्रै पिछे बह जा तो कई आखना सी बच्चे थां ही कोई नहीं मैं तैयार सा मैं तैयार सा और सीटा खाली रखी गई ने ताके पता लगे यही सन ते बस यही सन आज अपना अना भी जमा दसी गए निशा अना भी जमा दसी गए अनफुसा ना भी जमा दसी गए एक सीटा जे जड़िया अल्लाह खाली रखी है हर जगह जमा दसी गए जिन्ने मर्जी है बेटे ले जा जिन्ने मर्जी है नफूस ले जा जिन्ने मर्जी है औरतें ले जा कमी मदीने च कोई नहीं सी मैं इतू अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता पूरा मदीना भी सच्चिया का हो पूरी पूरा मदीना भी सचिया का हो बीबिया कुल मदीना दिया मुसलमान सचिया ते कुल मदीने दे मुसलमान सच्चे कुरान ते हाथ रख नबी दी पूरी जिंदगी च मुबाले तो बाद किसे एक ने नबी नु आख्या हो सच्चा तो मैं भी ऐसा मैनू क्यों नहीं लिखा कमाल है किसे बीबी आख्या हो सची तो मैं भी ऐसा मैनू क्यों नहीं खड़िया सच्चे सारे ने सच्चे सारिया होंगे लेकिन उन्होंने चुप रहना दलील है असल में पूरा मदीना जानता था हमारी सदाकत और है इन बाज की सदाकत एदा मतलब है पांच रजी अल्लाह भी हो ना ते रजी अल्लाह भी इन्हें जैसे नहीं भाई कमाल की थी पांच रजी अल्लाह भी हो ते बाकी रसी अल्लाह भी इन्हें जैसे तशियो तुसी ना करवाया करो इन पंजा नू रसी अल्लाह आख के जिथे भी खड़ा लो ना वखरे ही नजर आओगे निशान जितने नबी सच्चे ने जिस मयार दे उस मयार दी बतूल सच्ची जिस मयार दे अली सच्चे ने उस मयार दे हसनैन सच्चे मैनू शाह साहब ने हुक्म किया वो मैं जी जल्दी पूरा करने की कोशिश करना वह फरमाते हैं चूंकि सजदा दी मजलसा सन अज आखिरी मजलस है ते कम से कम सैयदा दे खुतबे दे दो चार लफ्ज़ ते सुनाओ यार सैयदा दे खुतबे दे उन्हें लफ्ज़ सुनाओ जरा सैयदा दी बलागत दा ते लोगों को पता लगे सैयदा दी बलागत तो लगा हजरत अली बोले ने ना जरा कलाम मुंह चो कढ़िया ने वो नहजुल बलागा बने कायनात ते दो ने एक बोलिया ते कुरान बने दूजा बोलिया ते नहजुल बलागा बने अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़न तो बाद आख्या जिदे मुंह चो एक गल्ला निकलियां ना या कायनात बनाई है साफ है या इहदे सामने बनदी मौला तुहानू जज़ा देवे अना वाली में नूरन वाहिदन जिहड़ी बलागत वाली जुबान मुस्तफा दी है ओही मुर्तजा दी है मुबाहला कल्ले भी नबी जांदे ते हो जाणा सी हसनैन भी कल्ले जांदे ते जित के आउणा सने दसना चाहते सन पैगंबर जो मस्तूर कभी गली में ना निकली थी हम साथ ला के बता रहे हैं ये बलागत में भी हम जैसी है सदाकत में भी हम जैसी ओ
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਤਬਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਇਕਤਬਾਸ ਪੜਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਇਕਤਬਾਸ ਤਿਆਰ ਉਹ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬਲਾਗਤ ਚ ਤਹਾਰਤ ਚ ਸਖਾਵਤ ਚ ਸ਼ੁਜਾਤ ਚ ਹਿਲਮ ਚ ਇਲਮ ਚ ਹਿਕਮਤ ਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਚ ਇੱਥੇ ਅਪੜਨ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾ ਦੇ ਇਹ ਅਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕੇ ਲਈ ਅਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਲਾਗਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਣਗੇ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸਕੇ ਇਲਮ ਕੀ ਵਾਰਸ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸਕੀ ਬਲਾਗਤ ਕੀ ਵਾਰਸ ਹੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਤਰ ਜਵਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਇਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰਜ਼ਾ ਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮੌਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਲਮਾ ਕੀ ਅਸਲ ਇਖਲਾਸ ਹੈ ਉਸਕੇ ਮਾਨੀ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਮਫਹੂਮ ਫਿਕਰ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦਾ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਰੂਹਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਫੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੋਹੀਦ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਈ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੀ ਆਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਰੂਇਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਆਂਖੇ ਉਸੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੋ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਸਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਸੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਖਿਆਲ ਖਿਆਲ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਖਿਆਲ ਮੇ ਆ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਅਸਗਰ ਹੈ ਵੋ ਅਕਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੋ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੋ ਰਸੂਲ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਕਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਵੋ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਭੇਜਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾ ਗਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਭੇਜਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ
यार की दसा कदी टाइम हों मैं तर्जमा अगो करता उनको बेसक से पहले चुना गया और 40 साल के बाद मानने वालों हाय हाय बीबी कह रही है बेसक से पहले चुना गया 40 साल के बाद ऐलान हुआ है बाबा मेरा नबी पहले से था। रिसालत वास्ते जुमला मैं इन्हें इतने मौकूफ करना जी एक वलायत का जुमला भी पढ़ दो। बीबी पाक ने फरमाया बंदगा ने खुदा तुम उनके हुक्म का मरकज उनकी दीन के वही के हामिल अपने नफ्स पर अल्लाह के अमीन और उम्मतों तक उसके पैगाम रसा हो। तुम्हारा काम यह है कि जो मेरे बाबा ने पैगाम दिए हैं उनको आगे पहुंचाओ। बीबी ने फरमाया और लाल फरमाया तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा इस पर कोई हक हालांकि इस पर कोई हक है हालांकि तुम में उसका वो अहद मौजूद है जिसे उसने भेजा और फिर फरमाया वो बकिया है। कौन बकिया है? फरमाया जिसे अपनी खिलाफत मुस्तफा ने दी है वो मेरा शौहर है और वो खुद किताबे खुदा है। गौर ही नहीं फरमाया। फरमाया जिसे मेरे बाप ने अपना खलीफा बनाया है फरमादियन वो खुद किताबे नातिक है वो बोलने वाली किताब है। मेरा शौहर किताब नातिक है कुरान सादिक है नूरे साते है और रोशन जया है जिसकी बसीरत बैयन है इसरार वाजे है जवाहिर मुनव्वर है इत्तबा काबले रश्क है कायदे रज़ाए इलाही है और समात जरिया नजात है। सदके जा आबाद रहो। उस तो बाद बीबी ने 15-16 चीजें दसिया ने कि अल्लाह ने उन्होंने वाजब क्यों कर दिया। आखो तो पढ़ देना खैर हो तुहाडी यार जिंदा सोबत बाकी बीबी इस खुतबे ही दसे है अल्लाह ने नमाज को वाजब क्यों किया जकात को वाजब क्यों किया रोजे को वाजब क्यों किया हज को वाजब क्यों किया अदल को वाजब क्यों किया और वालदैन के साथ उसने सलूक को वाजब क्यों दिया सिला रहमी के मुतल्लिक क्यों कहा कसास का क्या मुकाम है इफा और नजर का क्या मुकाम है नाप तौल के मुतल्लिक क्या कहा हुरमत शराबखोरी के मुतल्लिक क्या कहा किसी पर तोहमत लगाने के मुतल्लिक क्या कहा और तर्क सरका है चोरी न करना। यह सारी चीजों का हुक्म आया है। आज मोहम्मद की बेटी बताती है कि क्यों आया तेरे इलम तो दारा अलवारा मैंने लुतफा रहे मौला तुम जजा देवे यदा अंतर मैं तशरीह नहीं करनी नालो नाल ही मर्जी मेहरबानी करनी जे ऐ बार सीढ़ी लैके आराम नाल बैक वेख लजे। बीबी फरमाया लोगो पूरे दीन का फलसफा बतूल बयान करती दीन क्या है नबी की बेटी बता रही है और जो पूरा दीन मस्जिद में बता रही थी वरासत का मसला उसे बताने का क्या मतलब तुम्हारे यार बीबी तो दीन तो सही पूरा दीन वक्त होंगे काश। बीबी ने फरमाया उसके बाद मैं बताती हूं खुदा ने ईमान को पैदा किया ताकि शिर्क से ततहीर हो जाए। एक एक लफ्ज थे एक एक मजलिस बनती अच्छा पढ़िया जा सकता बीबी देने लफ्जा तुसा गौर करना है पढ़िया लिखिया बच्चों समझ फिर बाद चाहिए। फरमाते हैं खुदा ने ईमान को शिर्क की ततहीर के लिए पैदा किया नमाज को तकब्बर से दूर करने के लिए पैदा हाय हाय ज़कात को नफ्स की सफाई के लिए पैदा किया रोजे को खलूस का इस्तकाम के लिए पैदा किया अल्लाह ने हज को दीन की तकबीयत के लिए बनाया अदल को दिलों की तंजीम के लिए बनाया जहाद को इस्लाम की इज्जत के लिए बनाया सब्र को तलबे अजर का मुआमल बनाया अमर बिल मरूफ को अवाम की मसलहत करार दिया वालदैन के साथ हुस्ने सलूक को अजाब से तहफ्फुज करार दिया सिला रहमी को अदद को ज्यादती की करार दिया कसास को खून की हिफाजत के लिए बनाया इफाए नजर को मजफत का वसीला बनाया नाप तोल को फरेब दही का तोर बनाया हुरमत शराब खोरी को रिज्स से पाकीजगी करार दिया।
सुभान अल्लाह, तोहमत से परहेज और लानत से मुहाफजत के लिए पैदा किया, तरके सर का चोरी को इफ्फत का सबब बना, चोरी ना करो वहां इज्जत बर्बाद हो जाएगी, शिर्क को हराम किया ताकि रबूबियत से इखलास पैदा हो जाए। आखिरी जुमला छोड़ो मैं इजाजत लूंगा, बीबी ने फरमाया लोगो हमारी 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 हमारी, बीबी कह रही है हमारी मेरी नहीं, टाइम नहीं ना, स्वाद बड़े सर हमारी हमारी, तो अगर जुमला सुनो ना तो कोई इजाजत सुनो, बीबी ने फरमाया हमारी अल्लाह ने हमारी इताअत को दीन का निजाम करार दिया, सुभान अल्लाह, हमारी इताअत को दीन का निजाम करार दिया, और अगला जुमला, और हमारी इमामत को तफरका बाजी से बचने का एहतमाम करार दिया, फिरकों से वो बचेगा जो हमें इमाम मान जाए, और बीबी ने फरमाया हाँ फिरकों से वो बचेगा जो हमें इमाम मान जाए, और मिल्लत का निजाम उसके पास होगा जो हमारी इताअत करे। बीबी ने इस मस्जिद के खुतबे में सिर्फ फतक तलब नहीं किया, पहले बताया हमारी इताअत भी वाजिब है, हमारी इमामत भी तुम पर वाजिब है। नतीजा मैं देने लगा, और यार जब उनकी इताअत वाजिब है और उनकी इताअत वाजिब है, फिर मैंने बंदे दसन जब उनको इमाम मान लिया जाए और इताअत कर ली जाए, इमामत से जंग नहीं होती, इताअत में बहस नहीं होती। मेहरबानी, 8 मिनट घंटे जो बाकी ने, एक जुमला सुना ना, बीबी ने इरशाद फरमाया मेरे बाप के आने की वजह से रात को सुबह हो मिल गए, आए हाय जुलमत दी रात मुक गई, मेरे प्यो दी आउन दी वजह तो सुबह हो, हाय बीबी फरमाती है रात को सुबह हो मिल गई, हक की रोशनी जाहिर हो गई, दीन का जिम्मेदार गोया हो गया, दीन का जिम्मेदार यानी बोलने लगा, शयातीन के नाते नातके गुंग हो गए, नफाक तबाह हुआ, कुफर और इफ्तराक गिरहें खुल गईं, और तुम लोगों ने कलमा इखलास को उनके रोशन चेहरा, हाय हाय उनको रोशन चेहरा फाका कश लोगों से सीख लिया, उनसे तुमने दीन सीखा जिनसे अल्लाह ने रिज्स को दूर रखा और जिनकी तहारत का अल्लाह ने ऐलान किया। अगे बीबी ने दुख ना रखे, तुम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, मेरे बाप ने तुम्हें बचा लिया, तुम जहन्नम के किनारे खड़े थे, मेरे बाप ने तुम्हें बचा लिया, तुम हर लालची के लिए माले गनीमत थे, हाय हाय हर जूदकार के लिए चिंगारी थे, हर पैर के नीचे पायमाल थे, और गंदा पानी पीते थे और तुम पत्ते चबाते थे, दुनिया जलील और पस्त थी, ये सारी इज्जत मेरे बाप की वजह से मिली। मैं की पढ़ा, बीबी ने लोगों को एहसास दवाया कि सोचो जहालत तुहाड़ी हालत की सी, ते इस वेले तुहानू पलीदी पलीद लोगों को पाकीज़गी अता करने वाला भी मेरा बाप है, पत्ते खान वालों हलाल गोश देन वाला भी मेरा बाप है, साडा दीन ते की लगा है, ते लोगा तुसा की कीता है। मेरे असीसो इन्हें को लैटर रहन दो, आखिर तो बंद करना, सारिया ना करो, एक दो रहन दो, बाद च कर लेना, गल कर दो, बंदे नजर आने दो, बस ठीक। मेरे असीस दोस्तों, बीबी ने अपने बाप दे एहसानात याद करवाए, वैसे जरूरत नहीं सी होनी चाहिए, बंदे नु पता होना चाहिए सी कि नबी ने साडे ते किहड़े किहड़े एहसान किए। मेरे असीस दोस्तों, रक्षा ड्राइवर नु बंदे रोज आते ने, तू कल किन्ने बजे अड्डे ते आवेगा, फिर उन्होंने आते ने आ जाएगा ना, तू आ जा, तू सुबह किन्ने बजे उठना है, तू शाम को घर किन्ने बजे जाना है, उन्होंने भी बार आखो तू, वह गुस्सा नहीं करेगा, वह कहेगा जी। प्रोफेसर नु बंदा एक बार आखे ना, तू कल किन्ने बजे आना है, तो तालिब इलम आखे, को स्टूडेंट आखे तो तू कल प्रोफेसर नु किन्ने बजे, और रात को सोएगा नहीं, करवटा बदलेगा, नाल का बंदा उन्हें पूछे सर की जे, वो कहता यार मैं हैरान हाँ, मैनू तो सर सुनने की आदत सी, सर सुनने की मैं आदत सी, तो मैं अज ना एक मेरे तालिब इलम ने आके तू
कल किन्ने बजे आना है यह मतलब जिन्हें तू कभी मैं ना सुनी हो आवाज रो हद लग गई है इन्नी जल्दी आ गया जी बाबे सिंह के दरबार जिन्हें जिंदगी तू ना सुनी हो तू आखिए तेन नींद नहीं आती ए कुरान मेरे सामने उन्हें मां के नफ्स ने नबी की गिली कबर ते हथ रख के बतूल फरमाया सी बाबा मैं वड्डे प्यो दी थी हाँ मैं वड्डी मां दी थी हाँ जायदाद तो पहला भी मेरा घर हुई थी जायदाद तो बाद मेरा वही कर रहा है मैं तो लोगों को तकसीम करती सा चलो कोई गल नहीं वह मैं वहम नहीं मैनू आख्या ने तू इतने क्यों आई जनाजा कि जनाजा है बीबी पाक दा नबी दी बेटी दा जनाजा नबी दी बेटी दा जनाजा मर्द दा होवे तां वी मर्द ही चुकदे ने जनाजा मसूर दा होवे तां वी मर्द ही चुकदे ने तुसां कदी बीबियां नूं जनाजा चुकदे वेखे मैनूं उत्थे दस्सिया ने बाहर मैं जनाजा बंदिया नहीं चुकना मैनूं दस्सिया ने आंदा ना जनाजा बीबी दा तैयार शबी तैयार जनाजा नहीं शबी तैयार ते फरमांदे ने जनाजा मर्दां च नहीं आउणा ते ना मर्दां चुकणा वो मस्तूरा ने चुका मस्तूरा ने यह मस्तूरा जनाजा चुक दिया ते नहीं पर कायनात ते पहला जनाजा नबी दी बेटी दा जेड़ा तियां नूं चुके आ सी मेरे अजीजो जिथे भी बतूल हजरत अली दफन किया ना तियां हमेशा घर होंदियां ने ते लोग जनाजे लैके बाहर जांदे ने पता नहीं मदीने दे की हालात सन हजरत ज़ैनब कुलसूम नू हजरत अली ने नाल नाल रखे कबर च उतारन लगे भी नाल रखे गुसल दे वेले भी नाल रखे यह जनाजा चुकन वालियां मैं अपनी मुर्शिदजादियां जिन्हें जनाजा चुकना है ते अपनी भैन तियां जिहड़ियां गैर सैयदजादियां ने मैं उन्हां अगे गुजारिश कर लगा दो चार मैं जुमले पढ़ने ने मैनू तीन मिनट सिर घंटे चो बाकी ने ज्यादा मुसाहिब कुरबान साहब पढ़ने मैं तुहाडे दर्द नू छेड़ना रोना रो लेना उस तों बाद उठ के मातम कर लेना मैं एक तरला करन लगा अपनी तियां भैणा अगे तुसा बीबी दे जनाजे की छबी उठानी है असी तो नहीं वेखनी और ये तमाम है कमाल सजदा का कि इन्हों का दिल कर दे कि बीबी दे जनाजे की छबी भी मर्द ना वेखा क्योंकि बीबी फरमाया सी मैं ताबूत च दफन करना जे क्योंकि चार पाई तो बीबी लेटी होवे कफन दे विच भी होवे बीबी का तुसी मिजाज वेखो फरमाते ने यार ही मैनू ना तबूत एक बंद विच ना संदूक बना के उदे विच उठाना जे ते दफन करना जे क्यों यार जदों मदीने च यारा एक बत्ती बाल छड़ो खुदा वास्ते बस ठीक इन्नी कुते बालो ना उस तो बाद फिर बुझा देना जेड़े वेले जनाजे की गल आएगी मैं ऐलान करांगा उदा उठ के मातम करांगे इन्नी कु लाइट थोड़ा जिहा जरा मजमा मैनू चेहरे नजर आउंदे रहन चेहरे भी उह ने जिन्हां ते आंसू तार आए ते मैं इन्हां चेहरिआं दी ज़ियारत ना कर लवां जिहड़े सारिआं दे गम च मैं तुहाडे रोण दी आवाज़ मेरे तक आ रही इबला तुहाडे रोण दी आवाज़ मेरे तक आ रही है अगर तुसीं अज जुमला सुन सको ना तो मैं मुस्तनद रवायात ते मुस्तनद उलमा दी जुबान दा जुमला पढ़न लगा हज़रत अली अलैहि सलाम ने जदों बीबी की रूह परवाज कीता ना हज़रत अली ने फरमाया अपनी तियां ते पुत्रां नूं उच्ची ना रोया जो उच्ची ना रोना ऐ जिहड़े अबचो ऐड़ी आस्ती हुंदी है ना इहनूं आस्ती ना यार कफ नूं आस्ती ना एक आलमे दीन नूं मैं पढ़दिआं सुणिआ कि हज़रत हसनैन शरीफैन ऐ अपनियां आस्तीनां मूंह विच रख के रोंदे सन ताकि साडी आवाज बाहर ना निकले अज तो पाबंदी कोई नहीं असीं जिड्डी भी उच्ची पर रोंदे हाँ एक मेहरबानी करनगियां साडियां तीआं भैणां कि जिहड़े वेले जनाजा चुकण ना साडे वल्लों जरा बीबी नूं सलाम जरूर कह देना दिनों तो जो लोग आ रहे हैं ज़हरा के जनाजे वास्ते यह हया का तकाजा है कि वह जनाजे की छबी भी साड़िया धीं चुगन गिया उंज मैं जनाबे खत्मी मरतबत की बारगाह चर्ज कर लगा यार सुनला ना असा कोई शरारत की ना कोई तमाशा बनाया ना किसी ने जनाण वास्ते सारा इंतजाम किया खर्च किया बानियान ने मोमिनीन एडी सर्दी चाहे ने सानू रब्बे मुहम्मद की कसम है साडे ज़हन च शरारत कोई नहीं असी सिर्फ नबी नू दसना चाहते हाँ सारी दुनिया तुहाड़े जनाजे नू मारन वाली नहीं।
कुछ लोग जनाजे कंधा आबाद रहो, कंधा देने वाले भी मौजूद ने। बड़े जे जनाजे ते मैं गया, तुसी गए हो, हर जनाजे ते असी तियां नहीं खड़ते। मैं बहना हर जनाजे ते तियां नहीं खड़ते, पुत्र जाते ने तियां नहीं जाती, तियां उत्थे खड़ी दियां ने जिथों बचत ना होंदी होवे, तियां उत्थे खड़ी दियां ने जिथों रह ना होंदी होवे। यार रसूल अल्लाह गवाह रहना, तियां नहीं लैके आए हैं, भैणा भी लैके आए हैं, पुत्र भी लैके आए हैं, ज़ईफ लोग भी बैठे ने, तेरी बेटी दे जनाजे वास्ते सारे आए ने। हसनैन राजी रहेंगे, ज़हरा दियां तियां राजी रहेंगियां। मैं तुहानू दो तीन दर्द बीबी दे सुना देना, ये मैनू माफ़ करना जिहड़ियां वह गल्लां ने ना जी। मैं अगे भी तुहाडे सामने कई बार आख्या, वह मैं ना जी, मेरे वस की गल नहीं। मैं ता ना हुंना पे बीबी दे जनाजे दे आखिर ते ज़ाकरी नूं रखो, वह वैन करते हैं या बन नाल नोहा पड़ते हैं, यह नोहा ही कोई बनता है, गल्लां दसण वालियां कोई नोहा ही ना पढ़ना है। नोहा पढ़ना मैं एक जुमला हूँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम नूं मस्जिद नाल ही मस्जिद सी नाल ही घर सी, दूर तो नहीं सन, मस्जिद विच सन। एक रवायत के मुताबिक कलीसा इतला दित्ती, एक रवायत के मुताबिक पुत्रा जाके इतला दी कि बाबा घर आओ, साड़ी मां का दसा औखा हो, मौला तुहानू जजा देवे। सह औखा होने की वजह वजूहात मैं नहीं पढ़ सकता, मैं मजबूर हाँ, मैं दो तीन वैन पढ़ देना। ये दो धियां ने जिहड़ियां प्यों ने बड़िया इज्जत नाल ते बड़े प्यार नाल पालिया, तुसा रल के मेरे नाल ज़ाकरी करनी। हुण मजलिस नहीं, मजलिस मैं पढ़ ली, हुण तुसा मेरे नाल रड़ना है। एक दादी है, आखो आखो, दूजी पोतरी, उस प्यो ने भी बड़े नाजा नाल पाली, उस प्यो की बड़े नाजा नाल पाली। एक प्यो मुस्तफा है, दूजा प्यो हुसैन इब्न अली है, एक दादी है। तुसी बोलो मम्मी रोना चल, मैं जो प्या ना, एक दादी है, सदके जावा, एक पोतरी है, दादी भी फातिमा है, पोतरी भी फातिमा है। दादी की उम्र दुनिया तो जान लगे 18 साल सी, हुण तुहाडी वारी है, बोलो। पोतरी की उम्र 4 साल सी, अजे भी रोल नहीं आता, 18 साल ज़ईफ सी, 4 साल ज़ईफ बहादुर, वह भी जख्मी गई है, वह भी जख्मी गई है, वो भी कान जख्मी, ये भी कान जख्मी। हुण औखा जुमला तुहाडे सिम्मे आ गया, तुहाडा रुक नहीं सकना, आंसू नहीं रुकना, हाय नहीं रुकनी। मैं पहना एक मदीने दफन है, आखो आखो मूंह तो आखो, दूजी शाम औखा नहीं गया जाना, जड़ी मदीने दफन है, मदीने वाले ओदे रोन तो तंग सन, जड़ी शाम दफन है, शाम वाले ओदे रोन तो तंग सन, जड़ा मदीने दफन हुई है ओदे कोल भी एक आली सी शौहर की शक्ल, जड़ी शाम दफन हुई है ओदे कोल आली सी ज़ैनुल आबिदीन वीर की शक्ल। मदीने वाला आली मदीने वाली जख्मी फातिमा नूं आंदा सी, मैं वखरा घर बनाया, अंदर बह के रो लिया कर, मैं बाहर बह के तेरी हिफाजत करांगा। शाम वाला आली आईलान कड़िया वाला हत्था ते चुक के आंदा सी, मैं तेनू कित्थे ले जावा, मैं नहीं पबंद सना सना, तू भी पबंद सना सने। उन्हें वैन किते ने प्यो का सारा इत्थे रख के, इन्हें वैन किते ने प्यो की कबर ते एक हथ रख के। करीब आ गए ने मेरे बंदे, मैं पहना बीबी पाक ने वैन किते ने प्यो की कबर ते की, मैं एक हथ रख, एक क्यों सदके तुहाड़ी आए तो सदके, यदा मतलब दूजा हथ ते इत्थे ही रहा, इतने ध्यान रखा जे त्रै वैन बीबी ते करना, गिली कबर ते हथ रख के ना। जदों मदीने गया ना जी, मैं जदों गुजरिया मैंने बंदे आके इतने आके क्यों रोना, मैं क्या आ कबर है जिथे मां भी दुख सुना दी रही, जिथे शाम वाली बेटी भी आके दुख सुना दी रही है। त्रै वैन सुनोगे, धियां नूं पेके वेड़े कदी नहीं भुले, पेकियां गल्लां कदी नहीं भुलियां। हथ बीबी रख के ना पहला जुमला आख्या जी, बीबी फरमाया बाबा बाबा, मेरे इन्हों त्रवा वैना ची सारी शहादत तेन सुन लेना। बीबी फरमाया बाबा जिथे मैं आँदी सी तुसी उठ के खड़े हो जाते सो, ना आबाद रहो, उथे मैं खलोती रही,
हाय आखे नाले लोग बैठे रहे। दूजा वैन करके बीबी फरमाया बाबा छह महीने जिस दरवाजे अगे खड़ो के इन्ना मां यूरी दुल्ला दी आयत पढ़ते रहे हो ना, एक बार उठ के वे वो दरवाजा सार छड़िया गया। त्रीजे वैन ते अखीर हो गई, बीबी ने एक हाथ कबर ते रख के दूजा हाथ इथे रखे ते बीबी ओ वैन कीता जी जिहदा पहलो इंतजार है। बीबी फरमाया बाबा ओ जदों मैं आउंदी सां तुसीं उठ के गलांदे सो मिंबर तो उतरते सो तो मैनू आते सो हाथ बढ़ा तो मैं अगे हाथ बढ़ाती सो तो तुसी सारे लोग आते सामने और मेरा हाथ चुमते सो बापा मैनू तेरी इज्जत की कसम है और जिन्हों चुमता सा मैं तोर छड़े हाथ मैं सच्चे हाथ नाल तस्बीह नहीं कर सकती। हजरत अली अलैहिस्सलाम नूं मस्जिद तो इतना मिली है। अज की मजलिस के दो जुमले ने किबला वड्डे आलम की जुबान के जुमले ने मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकिया किबला। मैं तुहाडे नाल वह अमानत है तुहाडे सपुरद कर देना। मौला अली नूं मस्जिद जाके पुत्रां दस्या, दूजी रवायत दो कनीजा ने दस्या और रो के मेरे सामने बहुत बड़े आलमे दीन उठे मैं बैठा था। मेरे सामने कुरान ने मैं कन्ना नाल सुनिया अखा नाल वेख्या। हो सकिया जब अली को इतला मिली ना कि बतूल का आखिरी वक्त है, फरमाते ने हर मैदान में कभी ना लड़ खड़ाने वाला तीन मरतबा जमीन पे गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम घर तक पहुंचदिया आवाज आ रही त्रै बारी डिगे ने त्रै बारी उठे ने। जो बतूल के कोल आए ने ना उदो जहरा दे आखिरी सांस होण तुसां वक्त याद किया तुहाडे अल्लाह वेड़े आबाद रखे। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आके इंज बतूल अजरा नूं अंज वेख्या तो वेख के फरमांदे ने जहरा मैं अली हाँ, जहरा मैं अली हाँ। अंज वेख्या बतूल ने आखिरी वेले की मैं गल कर अंज वेख के बीबी फरमांदी है या अली कुछ अरसे तो मैं तुहाडी खिदमत नहीं करता। जिदन तू मेरे प्यो ने तेरे वेले च मैंने भेजे मैं खिदमत च कमी कोई नहीं की। कुछ अरसे तो मैं तुहाडा बिस्तर नहीं बनाया, तुहाडी नारायण मुबारक सामने नहीं रखी। तो या अली वो फिर जहरा ते इतराज़ ना करना, मेरे हालात ऐसे ने कि मैं तुहाडी खिदमत नहीं कर सकता। हजरत अली फरमांदे मैं भी गल करा, फरमांदे तुसीं हुक्म करो। फरमाया बाबे अगे मेरी शिकायत ना, हाय हाय क्योंकि जिवें दी अमानत दे गए सामना मैं वापस नहीं आबाद रहूंगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरे सबर दे हुक्म मैं खा गए। वह जरा जुमला मैं आख्या ना जी मैं तेरे सामने अज पढ़ना, वह जरा मैं रात चैन नहीं लैन दिता कि मतलब बहुत बड़े आदमे दीन सामने मैं बैठा सा। वह फरमान लगे हजरत अली अलैहिस्सलाम रो ने बतूल नूं वेख के, जो बतूल का आखिरी वेला अंज वेख्या ना तो अंज रोए ने। वह जरा हथ कफन च इतने से ना, वह जरा हथ हशर च भी इतने होना है। तुहाडे करीजे नूं हथ पै जाएगा। फरमांदे नूं सो टुटे हथ नाल बीबी ने अली दे आंसू पूंझणे शुरू की। जदों जहरा ने वो हाथ चुक के हैदर करार दिया अखा थलो आज आंसू साफ कीते ने ना, आवाज आउंदी हाथ उठे रखो तुहानूं तकलीफ है। बतूल दी आवाज आउंदी है यार आखिरी गल पे करनी आ, अद्धी रात नूं मेरा हुसैन पानी मंगदा है। जदों उस मंगना होंदा मैं पहले खलोती हुंदी आ, ऐसा ना होवे शबीर मंगदा रहे पानी देण वाला कोई ना होवे। हजरत अली दे कान पिछो शाम दी मलका दी आवाज आई अम्मा फिकर न कर, जदों तक ज़ैनब नूं लभदा रहा आबाद रहो, जदों तक ज़ैनब नूं लभदा रहा मैं पानी महफूज रख के तेरे पुत्र नूं प्यासा ना होण देण। मैंने कायना तुहानू जजा देवे अली ते ज़हरा दियां तियां दे वेंदिया नवे दिन तड़पण वाली अली दे सामने मुक गई। आबाद रहो जिहड़े ज़हरा दा रूह परवाज़ कीते। हजरत अली ने फरमाया मेरी औलाद आस्ता आख्या ने उची नहीं, आओ मेरी औलाद मुंह मां दा मुंह आखिरी वारी देख लो। नोहा बिल्कुल करीब पड़न लगे ने, उत्थे अलहमदुलिल्लाह इन्हां नूं मलका हासिल है कि जिथे कोई मुसाइब की गल छड़दा उत्थों फिर नोहा पढ़ते हैं।
मुसाहिबों नहीं पढ़ना, मैं तुहाडा दर्द छेड़िया, दो आंसू मेरे आ गए, दो तुहाडे आ गए। अजीजा ने गिरामी कदर जिहड़े वेले शब्बीर दे प्यो आख्या आओ मुंह वेख लो, आओ मुंह वेख लो, है मेरी औलाद मुंह वेख लो, हजरत हसनैन विचों एक कोल आया, उहदा नाम हसन, दोवे तियां आईयां ने मुंह वेखण, जिन्हें सब तो पहला ए मां दे मुंह तो एक कफन दा पल्ला हटाया, आ चादर हटाई वो शाम दी मलक है। तुसी हैरान हो गए आंज बीबी ने मुंह वेखण वास्ते आंज कपड़ा आंज कीता ना, जहरा दिती कपड़ा छड़ के दोवे हाथ सर ते रखे, एटी चीख निकली है बीबी ज़ैनब दी, अली दौड़ के आके फरमांदे ने बेटी आहिस्ता रो, हजरत ज़ैनब दी आवाज आई पापा मैं ते आज वेख्या अम्मा साडे कोल मुंह क्यों लुकांदी, मेरी अम्मा दे मुंह ते भी मारे ने, मेरी मां मेरे को नुकसान छुपांदी रही, मेरी मां दा कल जख्मी आबाद रहो भाई। एक जुमला मैं पढ़ लगा, बीबी कलसूम कुचा बैन कीता, बीबी फरमांदी है बाबे दे सामने आके गल्लां ते कदी नहीं सुन कीतियां, अम्मा दस कते जान बाबे दे सामने खलो के गल्लां किवें करनियां, मैनू खुशबू आ रही है मेरे ख्याल तबूत ताबूत साड़ियां बेटियां ने मुर्शिदादियां ने तकरीबन करीब कर लिया है, इतने मनोज खुशबू आ रही है, बस तुसी एक जुमला सुनो, एक जुमला सिर्फ, हजरत ज़ैनब गल की सारे रोंदे ने पे कोल, एक शहजादा जरा उत्थे खड़ोता है और तुसा दसना है, बोलो 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 मोरा ए करबला दा ज़री मज़लूम हुसैन, हजरत अली जाके फरमाया तू नहीं मिलना, आज वेख के फरमाते ने बाबा मैनू अम्मा सारी जिंदगी नहीं सी आंदी, वे मेरा बादशाह बेटा, वे मेरा शहनशाह बेटा, अली फरमाते तू है ही बादशाह है, फरमाते ने फिर बादशाह ते आप नहीं ना जाते, जब तक बादशाह नू दावत ना दी जाए, फिर मैं बेटा मुंह नाल गल ते करना, आवाज आउंदी अज अम्मा कफन चो बुलाएगी तो मैं जावांगा, मेरे अजीजो हजरत अली वापस आए ने लोए जो लहजान दे लफ्ज में हजरत अली ज़हरा दे कोल होके ने कन दे फरमाते ने मैं नहीं आंदा, मैं नहीं आंदा, ओ बाबाद रहो भाई, ओ बादशाह पुत्र बयान नहीं, ओ शहनशाह पुत्र बयान नहीं, मैनू बुलाओगे तो मैं आवांगा, अली फरमांदा जेड़ा हाथ गुसल दे वेले भी इत्थे सी ना, ज़हरा दे दोवे हाथ कफन च बाहर आए, बीबी रो के बोला मेरा करबला दा नवाब बचन, आवे मेरा मदीने दा सुल्तान बचन, आवे मेरा मोहरे नबूवत दा सवार बचन, बीबी फरमाया पुत्र है मैं मां वा, आज उदो आया जो मैं कफन च तेन बुलाया, बेटा मैं वो वेला नहीं उड़ीकांगी जो दोपहर वेले खलो के आगे हल मैं ना सुन जान सुनना, मैं नानी दी रात नीति ब्याह ते आ जाऊंगी, मैं सारी रात तेरी मगतल साफ करांगी, मैं अपनिया वाला नाल तेरे मगतल नु साफ करांगी, अजीजा जो मां पुत्र गल लगे ने अरश तो एक आवाज आई अली बेटे नु हटा, अरश फट जाएगा, हूड़ा दे वाल खुल गए नी, मलाइका दियां तस्वीरां छुट गई नी, हजरत तेरी मेरे नु वेखो कदी इधर चुमदे ने कदी इधर चुमदे ने, रो रो के आंदे ने हुसैन मैं मौजूद हाँ ना, हुसैन हसन मौजूद है ना, अः भैणा भैया रोंदियां नी पिछे हट जा मां तो, एक बार इधरों चुमया ने कदी इधरों चुमया ने ते प्यार नाल हटाया ने, मौलारी नाल गल करन लगा मैं या नी तुहाडे तो वड्डा मजलूम कोई नहीं, सहरा तो वड्डी मजलूमा कौन होगी, पर वेख लो आखिरी वेले तुसां मां कोलो छोटा पुत्र जुदा कीता, कदी इधर चुम दो कदी इधर चुम दो, दस मुहर्रम सी दीगर दा वेला सी, सिमर कदी इधर मारता सी कदी इधर मारता सी, रो रो के आंदी सी इत्थे रख दे इहनू इत्थे ना फड़ जिथे तू आना मैं छड्ड आउणी आ, हुण जिवें ही उहना आ के नोहा पढ़ना उठ के तुसां की आखणा या हुसैन, बोलो बोलो की आखणा जी, ओ यार हजरत अली दा जनाजा 21 रमजान नूं उठदा की आने या हुसैन, 25 रजब नूं मूसा कादम अलैहि सलाम दा जनाजा ते मातमी की आंदे या हुसैन, 28 रजब 28 सफर नूं इमाम हसन दा जनाजा या हुसैन, गाजी दा आलम या हुसैन, अली असगर दा चूरना, कोई मैनू
एक शेख ने पूछा सी जनाजा जिदा भी चुको या हुसैन क्यों आंदे हो। मैं क्या भावे किसी का पुत्रा चुके हो, भावे किसी का मजदूरा चुके हो, भावे किसी बीबी का शौहर चुके है, कावे भावे किसी भैन का भरा ले चुके है, किसी ना किसी ने किसी ना किसी का चुकया जरूर है। हुसैन मजलूम है जिदा ना किसी बनाया ना किसी उठाया, इस वास्ते जदों जनाजा चुकने मजलूम।